रेसिपी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ में। मैं खमन की हम बनाएंगे, प्री मिक्स पाउडर बनाएंगे, उसी से बनाएंगे खमन। तो हमने बेसन लेंगे, ये देखिए बेसन ले रहा हूँ, बेसन लिया और बेसन लेंगे हम इसमें 180 ग्राम प्री मिक्स पाउडर। घर पे ही बनाए और घर पे खमन बनाए, जब इच्छा हो जब बनाकर खाएं, प्री मिक्स पाउडर बना के रख लें। ये देखिए ये जो कि हमने बेसन लिया है, बेसन लेंगे 180 ग्राम, 180 ग्राम बेसन, 180 ग्राम बेसन लिया। इसमें हम नमक डालेंगे, नमक डालेंगे 7 से 8 ग्राम। ये देखिए 7 से 8 ग्राम नमक डाला, इसे 1 टीस्पून डाला, ये देखिए नमक डाला है ये हमने 1 टीस्पून। और ये देखिए, और टाटरी, हम टाटरी डालेंगे, टाटरी डालेंगे 3 से 4 ग्राम, 180 ग्राम में 3 से 4 ग्राम, ये छोटी चम्मच में है, देखिए 1/4 टी स्पून। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत जल्दी बना सकते हैं आप लोग। तो आप लोग दोनों तरीके से दिखा रहा हूँ। ये शक्कर लेंगे, लेकिन हम शक्कर पिसी हुई लेंगे, ये लेंगे 7 से 8 ग्राम शक्कर पिसी हुई। ये देखिए शक्कर डाली, 7 से 8 ग्राम डालेंगे, ये चम्मच भर के डालेंगे, 1 टी स्पून भर के डालेंगे, 7 से 8 ग्राम हो जाएगा उसमें। और ये बेकिंग सोडा डालेंगे हम 5 से 6 ग्राम। ये देखिए ये बेकिंग सोडा डाला 5 से 6 ग्राम, ये देखिए। और ये हमारे, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, छलनी में छान लेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो सके। और ये प्री मिक्स पाउडर हमारा रेडी। अब इसको आप 3 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, या आप एक दिन बनाएं, 1 हफ्ते तक रखें। तो वो ये देखिए प्री मिक्स पाउडर, अब इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, प्री मिक्स हो, पूरा छानेंगे इसको तो बढ़िया से मिक्स हो जाएगा। उसके बाद में इससे हमारी जब इच्छा है जब हम इससे हम खमन बना सकते हैं, और बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया बनता है। ये देखिए इसको हम छान लेते हैं, छानेंगे इसलिए ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए, इसमें से कुछ भी फेंकना नहीं है, जो निकलेगा सब इसी में मिला देना है। इसलिए हमने छाना है इसको कि मिक्स अच्छे से हो जाएगा ये सारा। और अब इसको हम भर के कंटेनर में रख लें, ये एयर टाइट कंटेनर में, जब इच्छा है जब हम बना के खमन खा सकते हैं। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं किस तरीके से इसका खमन बनेगा और कैसे बनेगा। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। आप मार्केट जैसा खमन घर पे ही बना सकते हैं। ये देखिए हमने बेसन लिया, इसमें हम पानी डालेंगे, पानी डालेंगे पड़ेगा इसमें करीब करीब 180 ग्राम हमने पूरा लिया है इसमें, और पानी पड़ जाएगा इसमें करीब करीब 200 ग्राम। ये देखिए इस तरीके से हम फेंट लेंगे, 150 ग्राम का है वो जो हमने डाला, 150 ml का है, थोड़ा और इसमें पानी पड़ेगा, देखिए ये 200 ml करीब पानी पड़ा इसमें। और इसको इस तरीके से हम घोल लेंगे, न पतला और न ज़्यादा ठीक, ये हमारा रेडी। और इसको ज़्यादा देर रखना नहीं है, जैसे ही हमने इसको घोला है वैसे ही इसको, बस आप इसको हम डायरेक्ट लगा देंगे। पहले से हम पानी गर्म कर लेंगे, स्टीम कर लेंगे, उसके बाद में इस तरीके से हो जाने चाहिए। और इसमें हमने तेल लगा लिया, जिस बर्तन में हमने खमन लगा रहा हूँ उसमें हमने तेल लगा लिया है, ये हमने इसमें डाल दिया। ये देखिए इसको ज़्यादा देर नहीं रखना है, पानी हमारा पक उबल रहा है और उबलते हुए पानी में इसको हमने रख दिया। ये देखिए ये करीब करीब 15 मिनट में हमारा खमन बन के तैयार हो जाता है, 15 से 20 मिनट लगते हैं पकने में। ये देखिए कितना प्यारा पक गया है, और इतने आसानी से आप लोग खमन बना सकते हैं। ये दिखाते हैं, ये देखिए पक गया है खमन। अब इसको हम निकाल लेते हैं, इसका हम पानी बनाएंगे, तड़का जो पानी पिलाएंगे इसको, तो इसको हम पानी बना लेते हैं। जो हम पानी पिलाते हैं तो खमन को हम निकाल के बाहर रख देते हैं, उसके बाद बनाते हैं पानी, जब तक ये थोड़ा सा ठंडा होगा उसके बाद इसको हम पिलाएंगे पानी। ये देखिए कितना प्यारा बना है और इतना उठा गया है, फूला है। तो इस तरीके से आप लोग खमन बना सकते हैं, देखिए कितना प्यारा दिख रहा है। तो चलिए हम बना लेते हैं, तड़का बोलते हैं इसको और पानी भी बोलते हैं।
तो अब इसके ऊपर हम मारेंगे तड़का, तड़का नहीं मारेंगे पानी पिलाएंगे उसको, पानी पिलाना बोलते हैं, तड़का मारना नहीं बोलते हैं। ये देखिए कितना सॉफ्ट है खमन, तो अभी आपको काट के दिखाते हैं पानी पिलाएंगे जब। तो हम बना लेते हैं पानी, हमने ऑयल लिया, ऑयल इसमें थोड़ा ज़्यादा ही नहीं लेना है, ऑयल लिया हमने 1 टेबल स्पून करीब करीब 20-25 ग्राम, ये देखिए। और इसमें हम थोड़ा सा राई डालेंगे, 1/4 टीस्पून राई, 1/4 टीस्पून इसमें हम तिल डालेंगे, शीशम सीड बोलते हैं इसको, वाइट वाला तिल, और ये डाला। और इसमें कड़ी पत्ता, मिर्ची, शक्कर, तो खट्टा मीठा होता है पानी, और थोड़ा सा टाटरी या लेमन डाल सकते हैं आप, अगर अभी लेमन नहीं मिल रहा है तो आप टाटरी डाल सकते हैं इसमें, या आपके पास लेमन पाउडर है तो वो डाल सकते हैं। ये देखिए ये हमारा तड़का, जैसे ये राई फूटने लगी तो हमने मिर्ची डाल दी, मिर्ची अपने हिसाब से डालें, अगर ज़्यादा खाते तो ज़्यादा डालें, कम खाते तो कम डालें। और इसमें जो मिर्ची पकाते हैं बहुत टेस्टी लगती है, और हमने डाल दिया कड़ी पत्ता, 10-12 पीस कड़ी पत्ता के पत्ते हैं, 10-12। और अब इसमें हम डालेंगे पानी, ये देखिए पानी डाल दे, पानी पड़ेगा इसमें करीब हम 200 ग्राम पानी डाल देंगे। और हम डाला नमक, नमक स्वाद अनुसार डालें, नमक ज़्यादा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। और ये हमने डाली शक्कर, शक्कर डाल देंगे इसमें हम 2 टी स्पून, ये जरा सा इसमें हमने ये डाली है, जो ये डाली है टाटरी। और ये हमारा खमन है, इसको हम काट लेते हैं और फिर पिलाते हैं पानी। ये देखिए बहुत सॉफ्ट है, तो इस तरीके से आप लोग खमन बना सकते हैं बड़े आसानी से घर में। तो हमारी रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना, लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को कैसी लगी हमारी रेसिपी। ये देखिए हमने खमन निकाला, वाह, ये देखिए कितना सॉफ्ट है, इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं खमन। ये देखिए तो हमारा ये दबा रहा हूँ, ये देखिए पूरा दबा दिया इसको, ये देखिए कितना स्पंजी है, इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं। तो हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, आपको लिंक मिल जाएगी सेव भाजी की, 5 प्रकार की ग्रेवी, एलो ग्रेवी, चॉप मसाला, पंजाबी ग्रेवी, पंजाबी मखनी ग्रेवी, तो जाके चेक कर लेना। और चीकू, पपाया और ये पका मस्त मिलन पकाने के वीडियो डाला है, जाकर देख लेना। और इस तरीके से इसको हम पूरे को पानी पिला देंगे, तो ये देखिए तो ये हमने पानी पिला दिया, हमारा खमन रेडी, बस इसको आप सर्व कर सकते हैं काट के। तो हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, आप लोग लिंक मिल जाएगी सभी चीज़ की, जाकर चेक।